जम्मू कश्मीर में हमारी जो माता बहने जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं वो हड़ताल पर बैठी और कई महीनों से बैठी हुई है। मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो वो हमारी बहने हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स व हेल्पर्स अपने घर परिवार की तरह हमारे राज्य में कई जगह पर सेवा कर रही है, शिशुओं को पढ़ाने के साथ साथ दिन भर उनको खाने पिलाने के साथ साथ ही उनका ख्याल भी रखती है। अध्यक्ष महोदय, बड़ी विडम्बना की बात है कि इनसे सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर के नाते ही काम नहीं लिया जाता, विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में इनसे आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर्स केवल आंगनवाड़ी केंद्र ही नहीं चलाती बल्कि प्लस पोलियो बच्चों को दवाई पिलाने का काम, चुनाव ड्यूटी, सर्वे, आधार कार्ड तथा समाज कल्याण विभाग की कई अन्य योजनाओं को अपनी सेवाएं देती हैं। लेकिन इनको जो मानदेय मिलता है वो सक्षम नहीं है, ये अपना घर परिवार उनसे नहीं चला सकती हैं। मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप केंद्र सरकार के माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार को कहा जाए कि इनकी हड़ताल को समाप्त कर दिया जाए ताकि इनको मानदेय जो है वो बढ़ाया जाए और इनको अपना घर परिवार चलाने के मुताबिक मानदेय मिले। ये वो माता बहने हैं जो बच्चों का ख्याल रख रही है, काफी देर से हड़ताल पर बैठी हुई है। आप कोई इंडक्शन जरूर केंद्र सरकार। कर आप सभी जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक बड़ी खबर है जो कि इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आप सभी के बीच में रखेंगे। हाल ही के अंदर आंगनवाड़ियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया सरकार के विरोध में अपनी मांगों को लेकर के। हालांकि प्रदर्शन के बाद एक काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक कदम देखने को मिला है। फिलहाल एक छोटी सी वीडियो के क्लिप के माध्यम से सारा बयान आपके सामने स्पष्ट करेंगे। आप सभी से एक अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसे तुरंत ही सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जनार्दन मिश्र जी। धन्यवाद अध्यक्ष सभापति महोदया, मुझे आपने आंगनवाड़ी एवं आशा कर्मियों की समस्याओं पर बोलने के लिए अवसर दिया। महोदया, आंगनवाड़ी केंद्रों एवं आशा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के छोटे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही गर्भवती माताओं एवं प्रसव पश्चात उनके जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जा रही है। विशेष रूप से कोविड में के महाविकराल समय में जिस तरह से आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा आशा कर्मियों ने अपनी जान जो जोखिम में डालकर कोविड से बचाव के प्रति जागरूकता फैलाने, कोविड प्रभावित रोगियों के घरों तक दवाइयाँ बांटने, उन्हें अस्पताल तक पहुँचाने में सहायता करने एवं वैक्सीनेशन में अतुलनीय कार्य किया है। इन कार्यों के दौरान इनमें से कई कोविड के प्रभाव में आकर काल कल्पित हुई, शहीद भी हुई हैं। इनके कार्यों को देखते हुए इनको प्रदान किए जाने वाला मानदेय काफ़ी कम है, साथ ही इनकी सेवाओं की कोई सुनिश्चितता दूसरे शासकीय कर्मचारियों जैसी नहीं है। अतः भारत सरकार से आग्रह है कि इनका मानदेय बढ़ाया जाए और दूसरे सरकारी सेवकों को मिलने वाली सुविधाएँ प्रदान की जाए। धन्यवाद। हाँ, बहुत अच्छा।